हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम ऑफ क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस जेल जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होंगी और आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। सो गाइज, ये फेस जेल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, आप इजीली इसे रेडी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके यूज़ से आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, इस फेस जेल को बनाने के लिए आपको जिन जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक टमाटर की, यानी टमाटो की। सो गाइस, टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, ये हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है। उसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। सो गाइस, ग्लिसरीन के बाद हमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है एलोवेरा जेल। सो गाइस, एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से हम इस फेस जेल को ईजिली रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको टमाटर को अच्छे से इसका जूस निकालना है, तो मैं यहाँ पर कद्दूकस करके इसका जूस निकाल रही हूँ। आप इसे मिक्सी में पीस कर भी इसका इजीली जूस निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसे छलनी की हेल्प से इसे अच्छे से छान लूँगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर टमाटर का रस अच्छे से निकाल लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करूँगी। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक जेल फॉर्म में रेडी हो जाए। सो गाइस, आपको बहुत ही स्मूथ क्रीमी पेस्ट तैयार करना है। सो गाइस, ये फेस जेल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने के लिए, ग्लोइंग करने के लिए। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा फेस जेल एकदम रेडी हो चुका है। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है जिसमें आप इसे 7 से 10 दिनों तक इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। सो गाइस, रेडी है हमारा फेस जेल। सो गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाना तो बहुत ईजी ही है, साथ ही साथ मार्केट की महंगी महंगी क्रीम यूज़ कर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब भी हो सकती है। तो गाइज, आप इसे घर पर ही नेचुरल तरीके से बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद फिंगर टिप की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। सो गाइस, देखिए इस तरीके से। और गाइस, मसाज करने के बाद आपको इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। सो गाइस, ये फेस जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन से दाग धब्बों को, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। और गाइस, आप देख सकते हैं इसके पहले ही यूज से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है। सो गाइस, इसके पहले ही यूज़ से आपको अपनी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, शाइनी हो गई है, क्लियर हो गई है। सो गाइस, आप इस फेस जेल को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, ये है मेरा DIY फेस जेल, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप अपनी स्किन के लिए ले सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।